देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भोपाल गैस कांड के पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने वाली क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करने से पहले कहा कि पीड़ितों को पहले से ही 6 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है और अतिरिक्त मुआवजा देकर यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन पर बोझ नहीं डाल सकते। भोपाल गैस कांड को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गैस त्रासदी माना जाता है, जिसमें लगभग 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। भले ही इस त्रासदी को 37 साल हो गए हैं, लेकिन इस त्रासदी में अपनों को खोने वाले अभी भी उस भयानक दर्द से उभर नहीं पाए हैं। त्रासदी से पीड़ित लोग 37 सालों से इंसाफ और मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन शायद ही कभी उन्हें उचित इंसाफ और मुआवजा मिल पाए। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया था, जिसमें गैस कांड पीड़ितों को ज्यादा मुआवजा देने की मांग की गई थी। केंद्र की इस क्यूरेटिव पिटीशन को अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका जाहिर करने से पहले कहा कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन पर पहले ही मुआवजे का बोझ अधिक है, मुआवजा बढ़ाकर उसका बोझ नहीं बढ़ाया जा सकता और पीड़ितों को पहले ही नुकसान की तुलना में करीब 6 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जा चुका है। अभी केस दोबारा खुलेगा तो कंपनी को फायदा होगा और पीड़ितों की मुश्किल बढ़ जाएगी। कोर्ट का यह फैसला जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने सुनाया। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार आगे क्या कदम उठाती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।